15 साल पहले आज ही के दिन महेंद्र सिंह धोनी ने धमाकेदार पारी खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धाक जमाई थी। आज ही के दिन 5 अप्रैल 2005 को धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए वनडे मैच में तीसरे नंबर पर उतरकर 123 गेंदों पर 148 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। भारतीय टीम ने यह मैच जीता और धोनी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धोनी ने यूं तो अपने करियर का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ ही किया था, लेकिन उन्हें 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे मैच से पहचान मिली। महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 5 अप्रैल 2005 को धोनी ने विशाखापट्टनम में अपनी शतकीय पारी के दौरान कई ऐसे शॉट्स खेले जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज बेबस दिखे और यहीं से धोनी के क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। धोनी ने अपने वनडे करियर के शुरुआती 4 मैचों में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 0-12, 7 नाबाद और 3 रन बनाए। उन्होंने अपना 5वां वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेला। कप्तान सौरभ गांगुली ने धोनी को सचिन का विकेट गिरते ही बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतार दिया। उन्हें ऐसे ही मौके की तलाश थी जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया। उनकी संकल्पपूर्ण पारी पाकिस्तान के गेंदबाजों पर भारी पड़ी। धोनी ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। धोनी ने उस मैच में 123 गेंदों में 148 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें उनके 4 छक्कों के अलावा 15 चौके शामिल थे। धोनी ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 49 गेंदों में 50 रन पूरे किए जबकि 88 गेंदों में शतक जमा दिया। जब वो आउट होकर पवेलियन लौटे तो स्कोर बोर्ड पर 289/4 रन बन चुके थे। उस मैच में भारत ने 356 रन बना डाले थे। पहाड़ से लक्ष्य को पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया और भारत ने वो मुकाबला 58 रनों से जीत लिया। धोनी मैन ऑफ द मैच रहे। रिकॉर्ड्स की बात करें तो धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रनों की पारी खेली। इससे पहले गांगुली और सचिन के नाम संयुक्त रूप से 141 रनों की पारी दर्ज थी। 7 साल यानी साल 2012 में विराट ने धोनी के 148 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ा जब उन्होंने ढाका में 183 रनों की पारी एशिया कप में खेली। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।